बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, शादोआबाद होंगे और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, शादोआबाद रखे, खुशबाश रखे और जो दुख दर्द तकलीफ़ें आफात व बलियात हैं आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनको दफ़ा दूर करे। इस दुआ के साथ आज का ये अनयूजुअल व्लॉग शुरू करते हैं। जी हाँ, ये अनयूजुअल व्लॉग ही है क्योंकि रूटीन का व्लॉग नहीं है। आज मुझे पता चला कि हमारे सियालकोट के अली भाई जो हैं, जो जैनुल आबिदीन भाई के साथ व्लॉगिंग करते थे, जैनुल आबिदीन भाई ने उनका चैनल क्रिएट किया और वो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते थे माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने चैनल को आगे बढ़ाया और जो सब्सक्राइबर की तादाद थी वो भी बहुत तेज़ी से उन्होंने गेन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से किसी जालिम ने उनका चैनल डिलीट कर दिया। पता नहीं किसने किया, जिसने भी किया अल्लाह ताला उससे पूछे, क्योंकि एक गरीब की जो बद्दुआ है वो अर्श फर्श हिला देती है। मैं तो बस यही जानता हूँ कि किसी गरीब की दुआ लेनी चाहिए, उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। और जो कुछ भी हुआ अली भाई के साथ, ये बहुत बुरा हुआ, दुख हुआ। जब से मुझे ये पता चला है कि उनका चैनल डिलीट कर दिया गया है, किसी ने डिलीट कर दिया है, यकीन माने दिल बहुत ही दुखी है। क्योंकि मैं जानता हूँ एक यूट्यूबर के क्या ड्रीम्स होते हैं और जब वो कामयाबी के इतना करीब आ जाता है, कामयाबी मतलब उसके कदम चूम लेती है और यकदम वो धड़ाम से नीचे आ गिरता है, तो उसके सारे ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। यही कुछ अली भाई के साथ हुआ। उनके सारे ख्वाब जो उनके दिमाग में थे, उनके जहन में थे, उनके दिल में थे, वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। अफसोस, किसी जालिम ने उनके वो सारे ख्वाब जो हैं वो तोड़ दिए, उनका चैनल डिलीट कर दिया। इतना भी नहीं सोचा कि एक गरीब जो अपने दिल में, अपने जहन में ख्वाब सजाए बैठा है, वो इतना जुल्म उसके साथ कैसे कर सकता है। मुझे नहीं समझ कि ये किसने किया, किसी ने जेलसी की वजह से किया या किसी बिना पे भी किया, जो कुछ भी किया ये बहुत बुरा हुआ। अली भाई, ये मेरी वीडियो आपके लिए है कि आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपकी जो सिंपलिसिटी है, जो आपका मासूमानापन है, सब्सक्राइबर्स आपको भूलेंगे नहीं। आपने जो नया चैनल क्रिएट किया है, नया चैनल बनाया है, उसके जो पासवर्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी है उसकी, आप उसको अपने महफूज हाथों में रखें, किसी दूसरे के हाथों में ना दें। ये बात आप मेरी जहन में रख लें कि आप उस चैनल की जो सिक्योरिटी है उसको अपने मजबूत हाथों में रखें, किसी पर भरोसा मत करें, किसी को भी अपने चैनल के जो पासवर्ड्स वगैरह हैं, सिक्योरिटी जो है वो किसी के साथ शेयर ना करें। नया चैनल स्टार्ट किया है आपने, आप उसको लगन से आगे बढ़ाएं, रोज़ाना की बेसिस पे आप व्लॉग अपलोड करें। आपके जो इनोसेंसी है, आपकी जो सिंपलिसिटी है, आपका जो मासूमानापन है, सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह उसको जेहन में रखते हुए इंशाल्लाह आपका वो जो चैनल, नया चैनल है, उसको आगे लेके आएंगे। अल्लाह ताला की रहमत, फजल, उसका करम इंशाल्लाह आपके साथ होगा। एक और बात मैं आपका भाई होते हुए आपको बता दूं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना। यहाँ पे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो मतलब शाह सवार होते हैं मैदान जंग में वही गिरते हैं, वो बच्चा क्या गिर सकता है जो घुटनों के बल चलता है। तो ये ठोकरें ये आपको एक मजबूत इंसान बनाएंगी। ये जो आपको स्टार्ट में ठोकर लगी है, आपको समझ लग गई होगी, सब पता चल गया होगा कि नेक्स्ट टाइम आपने किसी पर भरोसा नहीं करना। आप अपना चैनल, अपने जो डेली बेसिस के व्लॉग्स हैं उनके साथ इस चैनल को सजाएं, इस चैनल को आगे लेके आए। इंशाल्लाह जैसे सब्सक्राइबर्स आपके पहले वाले चैनल पे बढ़े थे, इसी रफ्तार से आपके
इस चैनल पे भी सब्सक्राइबर्स आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो आपकी जो मासूमानापन है, वो जो आपका मुखलिसानापन है, मासूमियत है, सभी सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि आपका चैनल डिलीट हो चुका है और जो नया चैनल आपने क्रिएट किया है, आपके उस चैनल को हम सब यूट्यूबर्स भी और जो आपके देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह बफजले खुदा। इसी तरह आपका चैनल पहले चैनल की तरह कामयाबी हासिल करेगा। और एक फिर मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि अपने चैनल के जो पासवर्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको आप अपने हाथों में रखें, किसी पर भरोसा मत करें, क्योंकि ये भरोसा करने वाली चीज़ ही नहीं होती। किसी बंदे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेलसी जो है ये हम लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। पता नहीं हम इस वायरस से, इस बीमारी से कब निकलेंगे। एक भाई की तरक्की देखकर, उसकी खुशहाली देखकर हमें खुश होना चाहिए, यही हमारा दीन सिखाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया है। हसद करना, जेलसी करना, ये इस बीमारी से अल्लाह ताला हमें बचाए। अगर यहाँ पे एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा अपने देखने वालों को, कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते, हम में इतनी हिम्मत नहीं है या इतनी गुंजाइश नहीं है, तो बराह करम उसका बुरा भी ना करें, उसका बुरा भी ना चाहें। अगर इस आप सोच को, मुस्बत सोच को जहन में रखकर आप जिंदगी गुजारेंगे, तो यकीन माने आप कभी नाकाम नहीं होंगे। मोटी सादा सी मिसाल है हमारी देहाती लोगों की, के कर भला सो हो भला। अगर आप किसी का भला चाहेंगे तो अल्लाह ताला हमारा भला करेगा, अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो अल्लाह ताला हमारा बुरा करेगा। तो किसी का बुरा चाहते हुए हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखें कि वो हमारा भला करे, ये एक नामुमकिन सी बात है। तो जो हमारे देसी विलेज फोर्स के या मेरे जो न्यू चैनल है अली वीर के देखने वाले हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर एक इल्तिजा है कि आप उस गरीब भाई की सपोर्ट करें, उसका जो नया चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इतना उसके चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि रातों रात उस पे जो गम का पत्थर गिरा है, उसके जो सक्सेसफुल एक चैनल जो था उसका, उसके डिलीट होने से जो उस पे गम के पहाड़ गिरे हैं, रातों रात बराह करम आप उसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके उसी शोहरत की उन्हीं बुलंदियों पर ले जाएं, अल्लाह ताला की रहमत और फजल से, जहाँ पे उसका चैनल था। तो दोस्तों ये आपके साथ मेरा आज का व्लॉग था। व्लॉग इसको आप ना भी कहें, बस आपसे इल्तिजा थी कि आप अली भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर अली भाई आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस बात को जहन में रख लें, बड़े भाई का मशवरा समझकर आप इस बात को पल्ले बांध लें कि आप जो आपके चैनल के पासवर्ड्स हैं, सिक्योरिटी है, उसको आप दूसरे किसी के हाथों में न दें। बराहे करम आपसे भी ये हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि आप अपने चैनल के पासवर्ड्स और सिक्योरिटी को अपने हाथों में रखें, किसी पर भरोसा मत करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई धोखा ना दे सके। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रब सोने दे हवाले, रब राखा, अल्लाह हाफिज़।